लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फेज़ रूल क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं वो किसी भी हेटरोजेनस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम एप्लीकेशन ऑफ फेज़ रूल्स पढ़ेंगे। मैं हम वन बाई वन अलग अलग तरीके सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले वन कंपोनेंट सिस्टम जिसमें हमने बताया था कि जिसमें कंपोनेंट्स कितने वन हो, यानी कि सी इज इक्वल टू वन हो, ऐसे सिस्टम को वन कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो तीन ही सिस्टम है जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इन वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ जो फेजेस हो सकती है वो किसी भी होमोजेनस में वो वन हो सकती है, यानी कि पी इज इक्वल टू वन। यानी कि जब हम पी इज इक्वल टू वन रखते हैं तो डिग्री ऑफ जो फ्रीडम आता है हमारे पास वो आता है टू। यानी कि उसमें किस कैसे ऐसा सिस्टम जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ फेज़ वन होगा तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा टू। यानी कि हमें मैक्सिमम टू नंबर ऑफ डिग्री उसके लिए चाहिए होगी उस कम सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर। इसी तरह किसी भी इस सिस्टम को हम डिस्क्राइब करें, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जीरो भी हो सकती है, तो यदि हम ये एफ इज इक्वल टू जीरो रखें तो हमारे पास पी इज इक्वल टू आएगा थ्री। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो सकती है, तो मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस हो सकती है वन और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस हो सकती है यहाँ पे तीन, और मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है जीरो और मैक्सिमम हो सकता है टू, और कंपोनेंट तो फिक्स ही रहेगा वन। इसलिए हम इसको वन कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। टू इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम अबव फैक्ट्स। वन कंपोनेंट सिस्टम मे बी एक्सप्रेस्ड बाय टू वेरिएबल्स, इट मीन्स फेज डायग्राम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू एक्सिस। टू वेरिएबल्स ये हमें मैक्सिमम तो टू एक्सिस से हम इसे टू एक्सिस मतलब टू कोऑर्डिनेट से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, इसलिए हम इसे टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम भी कहते हैं। दूसरा, मैक्सिमम थ्री फेजेस कैन रिमेन इन द इक्विलिब्रियम, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो सकती है, तीन। यानी कि तीन वन कंपोनेंट सिस्टम में तीन फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती है। अब वो कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाटर सिस्टम में। वाटर सिस्टम का जो फेज डायग्राम है वो है, हमने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ खींचा है, तो हमने देखा इसमें देखो हमें तीन तो कर्व मिल रहे हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी, और यहाँ हमें ट्रिपल पॉइंट भी है पी ओ। हम इस सारे सिस्टम को वन बाई वन सिस्टम से क्लासिफाइड करके हम इसको स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे जो वाटर सिस्टम है वो वन कंपोनेंट सिस्टम है, और यहाँ पे आइस मतलब सॉलिड लिक्विड वाटर वेपर वाटर वेपर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्स, तीन कर्व्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले कर्व ओ है, तो इस ओ ए जो कर्व है यहाँ पर देखो सॉलिड और वेपर दो फेजेस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसे हम इसे सब्लिमेशन कर्व भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है, तो देखो कौन कौन सी आइस और वेपर, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस फेज क्या है दो, तो वन माइनस टू प्लस टू, तो एफ इजिकल टू कितना आ गया वन। यानी कि जो कर्व है वो मोनोवेरिएंट है, यानी कि यदि हम टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी एक को स्पेसिफाइड कर दें तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से कर्व ओ बी, यहाँ पे वाटर लिक्विड और वाटर वेपर दो फेजेज है जो इक्विलिब्रियम में, इसलिए हम इसे वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं। अगेन यहाँ पे दो फेजेज है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा वन, तो ये है, ये भी मोनोवेरिएंट कर्व है। तीसरा है हमारे पास ओ सी, यहाँ पे हमने देखा सॉलिड वाटर यानी आइस और वाटर लिक्विड फेज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न कर्व बोलते हैं। अगेन यहाँ पे दो फेजेस जो होती है इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसे हम यहाँ पे भी सिर्फ मोनो वेरियंट यानी एक ही जो वेरियंट है टेम्परेचर प्रेशर में से वो इनफ है। तीसरा हमारे पास ओ सी। अब हम कर्व एक है हमारे पास ओ ए डैश, यानी कि जब हमने ओ बी वाले जो कर्व है इसको आगे तक बढ़ाया तो हमें ओ ओ डैश जो फेस थी वो मिली। यानी कि जो यहाँ इस पे यहाँ पे क्या हुआ, वाटर जो है
यहाँ पे वाटर को हमने क्या किया, टेम्परेचर कम किया यानी कि इसको सुपर कूल किया। हमारे पास वाटर फेज थी ओबी में, यहाँ पे जो 0.0 है यहाँ पे से फिर ये पीछे की साइड आगे बढ़ा, यानी कि ओ ए डैश हमें मिला, और ओ ए डैश हम देखो सॉलिड स्टेट में है, जबकि यहाँ पे क्या था वाटर वेपर थी। तो यानी कि हमने वेपर से लेकर सीधे ही हमारे पास क्या आ गया, सॉलिड स्टेट आ गई, जब हमने उस लिक्विड को सुपर कूल किया। देखो टेम्परेचर भी हमने कम किया है तो, और टेम्परेचर इसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो गया है, तो जब हमने इसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हमने टेम्परेचर किया तो हमारे पास क्या आ गया, सुपर कूल लिक्विड आया जो कि आइस में चेंज हो गया। जब हम इसको अगेन, अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। तो इसे हम मेटा स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। फिर एरियाज की हम बात करें तो एरियाज में हमने देखा जो एरिया कि कौन कौन से कर्व से गिरा हुआ, ओ ए, ओ सी और प्रेशर एक्सी से। तो यहाँ पे सिर्फ एक फेज है, वो कौन सी, सॉलिड वाली। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ल्ड, और वेरिएंट आएगा यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आएगा 2, यानी कि ये बाई वेरिएंट है। मतलब यहाँ पे किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी, तब जाके हम यहाँ किसी भी पॉइंट पर उस सिस्टम के नेचर को हम बता सकते हैं। इसी तरीके से जो एरिया है वो ओ ए, ओ बी और टेम्परेचर एक्सिस के बीच का जो एरिया है, मतलब जो जहाँ पर वेपर एग्जिस्ट कर रही है वो भी बाई वेरियंट है। इसी तरीके से जो एरिया बी ओ सी, मतलब कर्व ओ सी, कर्व ओ बी और जो फेस से घिरा हुआ है वहाँ पे लिक्विड स्टेट है, और वो भी एक बाइवेरिएंट एरिया है। अब इन एरियाज़ का क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्ता है इन एरियाज़ की। देखो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए ऑन ओ सी कर्व। ओ सी कर्व हमने लिया यहाँ पे, ये रहा ये ओ सी कर्व है, यहाँ पे हमने एक ए पॉइंट लिया है। अब हम देखो क्या होता है कि जब हम ए पॉइंट से हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया और टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया, तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया, तो क्या होता है कि जो सॉलिड है वो धीरे धीरे क्या होती है, वेपर में चेंज होती है। ठीक है, जो सॉलिड है पहले, जो सॉलिड आइस है मतलब वो वेपर में, लिक्विड में चेंज होगी, और उसके बाद जब ये लिक्विड में चेंज होएगी धीरे धीरे, फिर ए से लेके बी तक इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। पहले तो क्या होगा, प्रेशर हमने कांस्टेंट रख दिया तो ये सॉलिड से लिक्विड में आई, और फिर धीरे धीरे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा। उसी तरीके से यदि हम इसका टेम्परेचर कम करें, किसका, लिक्विड का, ए पॉइंट पे यदि लिक्विड का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे आइस जमेगी और प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। सेम उसी तरीके से ए पॉइंट पे यदि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया और प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो गया, हमारे पास क्या होगा, वाटर, वाटर लिक्विड बनेगा सॉलिड से, और मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा। इसी तरीके से यदि हमने प्रेशर को कम कर दिया तो वाटर क्या करेगा, जो हमारे इक्विलिब्रियम है वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज की तरफ जाएगा। यहाँ भी हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तीसरी चीज़ जो है वो है कि यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट है वो है, जैसे यहाँ पे ओ, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है, जहाँ पे ए ओ, ओ सी, सी ओ और ओ बी तीन कर्व मिल रहे हैं, यानी कि फेज कितनी हो गई यहाँ पे, 3। तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पे आता है 0, यानी कि ये नॉन वेरिएंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 4.58 mm, और जो टेम्परेचर है वो है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर तीनों जो अवस्थाएं हैं, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, वाटर की, वो तीनों यहाँ पे ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे रहती है, हम ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरीके से देखो हमने यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर पे जो इसका, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो इसका टेम्परेचर है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर पे जो उसका प्रेशर है हम उसको बोलते हैं, ये रहा 100 डिग्री टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री टेम्परेचर, और 1 एटमॉस्फेयर पे ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे है, जो देखो इसके ट्रिपल पॉइंट से भी नीचे आ रहा है, कम आ रहा है। और दूसरा चीज़ है जो इसका इंक्लाइनेशन है, किसका, सॉलिड जो ओ सी कर्व है इसका इंक्लाइनेशन किधर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रेशर की साइड में, यानी कि जब हम टेम्परेचर को
कम, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता है, किसका, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, यानी कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। देखो हमने प्रेशर को इंक्रीज़ करा है तो जो ओ सी कर्व है वो उसका इंक्लाइनेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि कम टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। ये हो गया ट्रिपल पॉइंट, जहाँ तीनों स्टेट क्या है, इक्वलिब्रियम पे है। मेटा स्टेबल इक्वलिब्रियम हमने बताया था, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सिस्टम, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द फेज डायग्राम कैन बी अंडरस्टूड इफ ओनली इफ वी फॉलो द चेंजेस दैट आर अकरिंग ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑफ टेम्परेचर ऑन द सिस्टम। सपोज वी वॉन्ट टू सी द चेंज ऑफ द टेम्परेचर, हमें मतलब चेंजेस देखने हैं किसमें, तो हम यहाँ पे लाइन खींच के, यहाँ पे हमने ये ये लिया है हमने, अब हम इसमें कंप्लीट चेंज भी देख सकते हैं। जैसे इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पे उसके क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है 218 एटमोसफियर, है ना। अब हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ करी, देखो पी से लेके क्यू तक, और क्यू से लेके आर तक, फिर आर से एस तक, ऐसे करके T2, यानी कि हमने टेम्परेचर इतने पे प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, फिर हमने सिस्टम, हमने इसका टेम्परेचर को बढ़ाया पी से लेके वी तक, फिर क्यू तक, क्यू से लेके आर। तो ये क्या करते हैं, हमें जो क्या क्या कांस्टेंट प्रेशर रखने पर टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके इंक्रीज़ होने पर उसकी स्टेट में कैसे चेंज हो रहे हैं, सॉलिड थी फिर वो सॉलिड से वेपर के साथ इक्वलिब्रियम पे आई, फिर इक्वली लिक्विड से फिर वो वेपर के साथ इक्वलिब्रियम पे आई, और वेपर से फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वेपर फेज में कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो टेम्परेचर है, इस जो चेंजेस है, क्या प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इस पर इफेक्ट हो रहा है, वो सब हम इस डायग्राम से, इस कंप्लीट डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये डायग्राम जो रहता है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ट्रिपल पॉइंट के बारे में, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, और कंप्लीट स्टेट पे क्या उसका चेंजेस आ रहे हैं उसमें, सब के बारे में हमें ये डायग्राम बताता है।